कोटा में 21 अक्टूबर को ही दिवाली की खुशियां आने वाली है। उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 21 मेगा प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। संवाददाता भवरेश चारण ने मेगा आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटे न्यास अध्यक्ष और कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर से खास बातचीत की है। आखिरकार कोटा में वो घड़ी आ गई है जिसका कोटा के लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। सैकड़ों करोड़ के विकास के काम यहाँ पर चल रहे हैं और अब मौका आ गया इन कामों के लोकार्पण का। कलेक्टर ओपी बुनकर आज UIT पहुँचे हैं, मीटिंग ली है और सर कौन सी इनोग्रेशन डेट तय हुई है? 21 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शांति धारीवाल साहब वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखेंगे और कोटा में UIT ऑडिटोरियम से इसका सीधा प्रसारण होगा। कोटा की जनता को सर लंबे समय से इन कामों की प्रतीक्षा थी, तो क्या ये सारे काम पूरे हो चुके हैं या फिनिशिंग मोड में है? कौन से प्रमुख काम जनता को समर्पित होने वाले हैं 21 अक्टूबर को? नहीं, ये सारे काम जो हमने 22 काम लिए हैं, 22 के 22 काम कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें 21 काम का लोकार्पण है और एक काम का शिलान्यास है। शिलान्यास वाला कार्यक्रम जो चिकित्सालय MBS उसमें डिलक्स वार्ड का है उसका शिलान्यास है 68 करोड़ का और बाकी सारे काम लोकार्पण के हैं। 21 कार्य तो 21 काम पूरे हो चुके हैं सारे, केवल लास्ट फिनिशिंग कोई पेंटिंग वेंटिंग बाकी है, वो काम आज चल रहा है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक पूरा कर देंगे। इन सभी पॉइंट पे आज शाम को हम लाइटिंग कराएंगे और इन सभी पॉइंट को सजा के इस तरह पब्लिक के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बढ़ाएंगे कि पब्लिक को लगेगा कि वास्तव में पब्लिक के लिए अच्छी सौगात सरकार ने दिवाली के मौके पर दी है। और मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट जिस तरह से UIT तैयार किए हैं पिछले 2-3 साल से मेहनत करके, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से एक सेल्फी पॉइंट बनेंगे और कोटा के टूरिस्ट के पॉइंट हैं उनमें शामिल होंगे। तो कोटा में जो लोकल टूरिस्ट है या बाहर से टूरिस्ट कोई आता है उन पॉइंट्स पे सब पे रुक के वो इनका लुत्फ उठाना चाहेगा, सेल्फी लेना चाहेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से कोटा को मिल रही है। सर आखिरी सवाल, वैसे पूरा समारोह वर्चुअल होगा लेकिन कोटा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, कार्यक्रम को देखना चाहे तो क्या सुविधाएँ होगी उसके लिए? ये समारोह वैसे जयपुर से वर्चुअल है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और धारीवाल साहब जयपुर जुड़ेंगे लेकिन यहाँ हमने वर्चुअल नहीं रखा है, ऑडिटोरियम में बड़ा प्रोग्राम रखा है। 800 करीब लोग इकट्ठे होंगे, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है प्लस पूरी पब्लिक को जोड़ने के लिए हमने पूरे शहर में अच्छे अच्छे पॉइंट पे 10 LED लगाई है तो वो लोग वहाँ से भी पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। और हम चाह रहे हैं कि लोकल TV पे भी इसका जो लोकल चैनल है उसमें उसका प्रसारण लाइव करें तो आम पब्लिक उसको देख सके। तो दिवाली से पहले दिवाली जैसा मौका होगा कोटा में जब एक साथ 1.5 दर्जन से अधिक विकास के काम जनता को समर्पित होंगे। इन सारे कामों पर दिवाली से पहले ही खास रोशनी होगी और कोटा में 10 LED लगाई जाएगी ताकि आम जनता भी इस कार्यक्रम को देख सके और इससे जुड़ सके। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ कोटा।